हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम एमएस एक्सेस पर कैसे एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले हम एमएस एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। यहां स्टार्ट बटन पर क्लिक करके हमें टाइप करना है एमएस एक्सेस। ओके, एंटर प्रेस करता हूं तो एमएस एक्सेस ओपन हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसके ओपन होने के बाद यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस चूज करना है, जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ पर कोई नाम आप दे दीजिए, आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट नाम जो दिया हुआ है वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कोई नाम दे देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास एक नया डेटाबेस ओपन होकर आ जाता है। अब इस डेटाबेस में हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको व्यू दिख रहा होगा, यहाँ व्यू पर क्लिक कर दीजिए और आ जाइए डिज़ाइन व्यू पर। ठीक है, और ये टेबल वन, ये नाम आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ दे देता हूँ, जैसे कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पैरेट दे देता हूँ। इंटरफेस करता हूँ तो यहाँ पर ऐसा एक इंटरफेस खोल करके आ जाएगा हमारे सामने। अब हमें क्या करना है कि ये जो आईडी है ना, ये प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की अर्थात कि ये की एक यूनिक की होती है। ठीक है, बात करें प्राइमरी की की, तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो मुझे पता चलता है, जैसे प्रोडक्ट आईडी होती है। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट की अपनी अलग अलग आईडी होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्रिटानिया का बिस्किट है, ठीक है, तो वो किसी शॉपिंग मॉल में अगर बेचा जा रहा है तो उस प्रोडक्ट की एक अलग आईडी होती है। ठीक है, उसको बेचने वाले की एक अलग आईडी होती है। ठीक है, तो इसे हम प्राइमरी की के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, किसी फर्म में काम करता है, तो उसकी एक एम्प्लॉई आईडी होती है। अब जो दूसरा एम्प्लॉई उसी फर्म में जो काम करता है, उसकी दूसरी एम्प्लॉई आईडी होगी, यानी कि दोनों की एम्प्लॉई आईडी सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का रोल नंबर भी एक बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी की का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अब क्या करूँगा, बना देता हूँ जैसे मान लीजिए रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर कर देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, इसको ऑटो नंबर ही रहने देते हैं। और यहाँ पर हमें देना है नेम, तो ये दे दिया हमने नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहां लिखूंगा स्टूडेंट, STUDENT। और यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप लेंगे हम। और यहां पर हमें क्या करना है, यहां पे हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि पांच सब्जेक्ट के नंबर ले लेते हैं, हिंदी, ये नंबर डेटा टाइप होगा क्योंकि हम यहां नंबर देंगे तो इसीलिए नंबर डेटा टाइप। इंग्लिश, हालांकि आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन के समय दिक्कत आ जाएगी आपको, इसलिए नंबर ही रखना ठीक रहेगा। मैथ्स, ठीक है, और साइंस, SCIENCE। मैं आपको एवरेज कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इसमें कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया, और यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं, DRAWING ड्राइंग। ठीक है, और ये हमने कर दिया इसको नंबर। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 हो गए, और एक लास्ट में होता है SST। ठीक है, तो ये SST कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर हम जो डेटा टाइप देने वाले हैं वो है वही नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका करेंगे टोटल, यानी ऑप्टेंड यानी कितना प्राप्त किया नंबर वो करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टेंड जो भी होगा यहाँ पर आ जाएगा, और ये भी नंबर ही होगा। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज, यही हमारा मेन मुद्दा है कि हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करें। ऑप्टेंड के लिए तो कई वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन एवरेज के लिए अभी वीडियो नहीं बनाया है। हालांकि संयुक्त रूप से एक वीडियो ज़रूर है जिसमें ग्रेड और एवरेज दोनों एक साथ निकालना सिखाया गया है, लेकिन इसको विशेष तौर पर मैंने इसीलिए बनाया है कि आप इसमें एवरेज कैसे कैलकुलेट करें इसको देखा जा सके। तो चलिए अब चलते हैं हम व्यू पर और डेटा शीट व्यू पे आ जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसको मैं बोल्ड करता हूँ और थोड़ा सा इसकी साइज़ को बढ़ा देता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हमने लिए थे और जो जो यहाँ पे हमने डेटा दिया है वो सारे डेटाज़ यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और चौड़ा कर लीजिए यहाँ से। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, जैसे मान लीजिए आनंद, ANAND आनंद दे दिया हमने। स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है वो है 70। ठीक है, एक सब्जेक्ट में, दूसरे में है 60, तीसरे में है 78, चौथे में है 75 और छठवे में है 76। ठीक है, और सातवें में है 89। ये तो ठीक है, लेकिन अभी हमें कहाँ जाना है, क्रिएट पे।
क्रिएट पे जा करके आपको क्वेरी डिज़ाइन में जाना है और इसको ऐड करा दीजिए। यहाँ से ऐड कराने के बाद आप यहाँ पर एक एक करके सारे जो यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं इनको लेकर के आइए। यहाँ पर आप इंग्लिश लेके आइए, यहाँ पर आप मैथ लेके आइए और यहाँ पर साइंस, और फिर यहाँ पर ड्राइंग आएगा और फिर यहाँ पर एसएसटी और फिर यहाँ पर ऑप्टेंड, ठीक है, और फिर यहाँ पर एवरेज। तो ये हमने सारे डेटाज को यहाँ इकट्ठा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ऑप्टेंड निकालना है हमें। तो देखिए कोई भी इस तरह का अगर कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ऑप्टेंड निकालने के लिए, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए आप। तो पहला हमारा सब्जेक्ट था हिंदी, तो एच आई एन डी आई हिंदी कर लिया हमने। फिर प्लस करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे, इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट एम ए टी एच मैथ, ठीक है, प्लस करेंगे। चौथा सब्जेक्ट साइंस एस सी आई ई एन सी ई, ठीक है। पांचवा सब्जेक्ट साइंस के बाद है आपका ड्राइंग, डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी, ड्राइंग कर लिया हमने। ड्राइंग के बाद है एस एस टी, ठीक है, एस एस टी कर दिया हमने, ये एस कैपिटल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने सब्जेक्ट हो गए, डी आर ए डब्ल्यू होगा यहाँ पे, इसको बना लिया हमने। अब एक दो तीन चार पाँच, छठा सब्जेक्ट हमारा जो है हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस एस एस टी ड्राइंग, तो ये तो हो गए छह सब्जेक्ट। गिनता हूँ एक बार फिर से, दो तीन चार पाँच और ये छह, तो छह सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एवरेज वाले पे चलना है और यहाँ पे टाइप करना है हमें ऑप्टेंड। क्या टाइप करेंगे, ऑप्टेंड, तो ओ कैपिटल ओ बी टी ए आई एन ई डी, ये टाइप किया हमने। और कितने सब्जेक्ट हैं हमारे, छह सब्जेक्ट हैं, तो छह से इसे डिवाइड कर देंगे बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, रन पे क्लिक करना है, तो यहाँ रन हो चुका है ये। अब यहाँ पर आप नंबर दे दीजिए, जैसे मान लीजिए इनको मिला 60, इनको मिला 90 इस सब्जेक्ट में, मैथ में मिला इनको 78, साइंस में मिला इनको 67, ड्राइंग में मिला 88 और एसएसटी में मिला 56। अब इनका ऑप्टेंड और एवरेज देखिए, यहाँ पे ऑप्टेंड मार्क्स अपने आप आ गया, एवरेज के लिए ये कॉलम छोटा पड़ रहा है तो ऐसी एरर आती है। अब इसको बड़ा कर लीजिए आप, तो आप देख सकते हैं ये मार्क्स आ गए इनके। अब देखिएगा जादू, इसमें बड़ा ही कमाल का एक फीचर इसमें हमें देखने को मिलता है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जैसे मान लीजिए दूसरे किसी, जैसे मान लीजिए किसी यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है जूही, तो ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर अब इसके मार्क्स 88, 66, 44, 34, 55 और यहाँ पे ये देखिए 67। अब यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप मार्क्स निकाल करके दे देगा और एवरेज भी निकाल करके दे देगा। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इसको यहाँ से थोड़ा और चौड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब ये ठीक से आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ और ये 20 कर देता हूँ। ये देखिए अब आपको काफ़ी बड़ा बड़ा ये दिख रहा होगा, इसको थोड़ा और बड़ा, ये यहाँ पे फंस रहा है, इसको दो, इसको और इसको और सब तो ठीक है। इधर आते हैं, यहाँ पर इसको हमको बड़ा करना होगा,
ये पकड़ा हमने और यहाँ खींच दिया, ठीक है, और इसको खींचिए, ये देखिए इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं एवरेज भी। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य भी लोगों को इस बात का पता लग सके कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।